कक्षा 10 एक्सरसाइज 10.1 हम इसका प्रश्न 5 करने जा रहे हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर चला। तो ये हमारे पास एक वृत्त है, ये इसकी स्पर्श रेखा है ए और बी, जो कि स्पर्श बिंदु पी पर इस वृत्त को इंटरसेक्ट कर रही है, यानी प्रतिच्छेद कर रही है। प्रश्न ये है कि सिद्ध करना है कि यहां से जो लंब है यह वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। हम पहले मान लेते हैं कि मान लो यह केंद्र से होकर नहीं गुजरता, मान लो लंब केंद्र से होकर नहीं गुजरता, तो इसका मतलब यह है कि इस पर जो लंब होगा वह इस प्रकार से होगा और यहां पे एक बिंदु होगा मान लो x। तो इसका मतलब यह होगा कि xp जो है वो लंब है AP पर, यानी कि कोण xpa बराबर है 90 डिग्री के। इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर एक। लेकिन हमें यह भी पता है कि O वृत्त का केंद्र है, तो OP जो है वह त्रिज्या है और OP जो होगा यहां मान लेते हैं कोण OPA, ये भी 90 डिग्री के बराबर होगा। क्यों? कोण OPA यह 90 डिग्री के बराबर होगा क्योंकि OP इसकी त्रिज्या है, AP इसकी स्पर्श रेखा है और हमने रूल पढ़ा है किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो हम इसका रीजन लिखेंगे, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर देते हैं। कोण OPA माइनस कोण XPA बराबर होगा, लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड हटा दी माइनस कर दी, तो राइट साइड से राइट साइड माइनस होगी, 90 में से 90 माइनस किया XPA इसके साथ माइनस हो रहा है, जब ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा और OPA बराबर हो जाएगा 0 प्लस XPA यानी कि XPA। कोण इसको ध्यान से समझिएगा, कोण OPA बराबर है कोण XPA के, यानी OPA और XPA ये दोनों कोण बराबर है। ये तभी बराबर हो सकते हैं अगर XP और OP एक ही लाइन हो, समझो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर कैसे हो सकते, नहीं हो सकते ना, ये वाला कोण हमेशा बड़ा होगा। लेकिन ये बराबर हमने सिद्ध किया है, इसका मतलब क्या, ये तभी हो सकते हैं यदि कोण XPA और OPA ये XP और OP एक ही लाइन पर हो। लेकिन हमने तो बोला कि लंब केंद्र से होकर नहीं गुजरता, इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत था, अतः हमारी गणना गलत थी। इसके बाद आप लिखेंगे, सिद्ध हुआ कि थोड़ा सा मैं अपने समय बचा लेता हूं, जो आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, तो ये सारी लाइन हम यहां पर लिख लेंगे, तो हमारी लाइन हो जाएगी सिद्ध हुआ कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। धन्यवाद।